ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस इस वीडियो में मैं आप सभी को ना मतलब कि ये जो आपको थंबनेल में मैंने ये कलर टोन दिखाएगा, जब इसमें से कोई सा भी कलर टोन रख सकते हो, कैसे रखना मैं आप सभी को वीडियो में बताता हूं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को सिंपली ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे मॉडल को ऐड कर लेने के बाद आप सभी को मतलब यहाँ पे अपने मॉडल को रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ स्टाइल से फुल स्क्रीन करके लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप सभी को कुछ स्टाइल से अपने मॉडल को यहाँ पे लगा लेना है एंड यहाँ पे आप सभी को फिर कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यह हर्ट का पीएनजी दे दूंगा मैं, ठीक है। आप चाहो तो उसका मतलब कलर जो है चेंज भी कर सकते हो, ह्यू में जाके इजीली इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे सेट करके रेज कर लेता हूँ। एंड आप सभी इसमें मतलब कि कोई भी ग्लोइंग टोन अपने मर्जी से डाल सकते हो, वो कैसे डालना मैं आप सभी को भी बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इसका हार्डनेस फुल करके यहाँ पे सिंपली रेज कर लूँगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। एंड आप भी थोड़ा आराम से करना और थोड़ा टाइम दे करना ताकि ये जो है प्रॉपर हो जाए एंड ज़्यादा बेकार भी ना लगे ना। तो और दिखना भी नहीं चाहिए किसी को कि मतलब क्या रेस किया हुआ है, ये एकदम लगना चाहिए कि हाँ भाई ने पहले से ही पकड़ रखा है, ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को जिस टाइप से रेस कर लेना है। एंड बाकी जो गाइस मतलब कि इसमें मैं आप सभी को जो टोन बताने वाला हूँ उसके लिए ना आप सभी को बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप सभी को बस एक ह्यू को चेंज करना है, उसमें मैं आप सभी को पूरे स्टेप बता दूंगा। गाइस अब टोन कैसे डालना मैं आप सभी को बताता हूँ। पहले आप सभी को जाने से ऐड फोटो में एंड आप सभी को मैं पीएनजी दे दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे इसमें थोड़ा सॉरी एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आपको ह्यू में जाना है एंड इसको आप सभी को ना किसी भी ह्यू में रख लेना, आपको जोन सा कलर बेस्ट लगे आपको उसमें रख लेना है, ठीक है। एंड गाइस बस ये ध्यान रखना कि आप सभी को जो बलून है उसी कलर में रखना, बाकी इसका जो ब्लेंडिंग मोड आपको ओवरले ही रख लेना है। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को ऐसे ले जाना है एंड यहाँ पे आपके जो इसके बैलून एंड फेस पे आ जाए इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है। ब्लेंडिंग मोड ओवरले रखोगे तभी ऐसे मैच होगा ये, ठीक है। एंड बाकी आपको कौन सा कलर टोन पसंद है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, डन करने के बाद फिर दोबारा से उसी पीएनजी को लेकर आना है, ठीक है। इसी पीएनजी को ले आना है एंड इसका जो आपने कलर टोन रखा है फिर उसी कलर टोन में इसको ले जाना है, ठीक है। तो मैं एडजस्ट में जाके यहाँ पे यू पे जाके इसको इसी ऑरेंज टोन में ले आता हूँ, ठीक है। एंड आप चाहो तो ब्लू टोन, ग्रीन टोन, किसी भी टोन में ला सकते हो। बाकी इसको आप यहाँ पे करना है स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीन करना है क्योंकि अब जो ग्लोइंग आएगा ये स्क्रीन करने से ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ये ग्लोइंग टोन भी आ चुका है, ठीक है। तो अभी इसमें जब हम गाइस ब्राइटनेस ये सब डालेंगे तो ये फोटो हमारी अलग ही लगेगी, नेक्स्ट लेवल। तो अभी हम उसमें वो भी करेंगे। तो पहले हम ये पीएनजी लगा लेते हैं, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आप सभी को जो है इसको मतलब कि इसमें ब्राइटनेस वगैरह कैसे क्या एडजस्ट करना है। तो अभी मैं इसको ये पहला पीएनजी यहाँ पहले ऐड कर देता हूँ एंड इसको डुप्लीकेट करके एक बार और यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। एंड चाहो तो गाइस जो फेस के ऊपर एरिया आ रहा हो उसे रेज भी कर सकते हो एंड बाकी नहीं आ रहा हो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम डन कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम अभी क्या करना है आप सभी को एक लास्ट पीएनजी लगाना है। वो पीएनजी कैसे लगाना है मैं आप सभी को बताता हूँ। पहले आप सभी को यहाँ से जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक विकनेट का पीएनजी दूंगा मैं, ठीक है। तो आप सभी को उस पीएनजी को पहले ऐड कर लेना है यहाँ पे। सिंपली मैं यहाँ से पहले ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है गाइस पीएनजी ऐड कर लिया एंड उसके बाद आप सभी को दिख नहीं रहा होगा बट आप इसको फुल स्क्रीन कर देना एंड उसके बाद कुछ स्टेप्स एडजस्ट हो जाएगा एंड नीचे डार्कनेस आ जाएगी, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो आप यहाँ पर फोटो कर लेना आपको सेव एंड चलना लाइट रूम ऐप में एंड इसमें ब्राइटनेस वगैरह कैसे करनी है आप सभी को मैं सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो बस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार, अगर अभी तक आप मैंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाना भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम इस फोटो को सिंपली यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद आप सभी को अब क्या करना है, तो गाइस पहले तो ये ओपन हो रहा है अभी, है ना। तो उसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड शेडो को भी बढ़ा देना है एंड एक्सपोजर भी आपको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जिसका शेडो है इसको आप सभी को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। एंड जो व्हाइट ब्लैक इसको भी बढ़ा देना है एंड व्हाइट को भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो इसमें ब्राइट तो हो गया हमारी फोटो एंड इसका जाना नीचे वाला टूल में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को मिक्स में जाना है, फिर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस करना है, ठीक है। एंड ल्यूमिनस को भी बढ़ा सकते हो बाकी आपकी मर्जी है। फिर येलो कलर में जाना है, इसे ह्यू चेंज करना है, ठीक है। आप इसको ऑरेंज टोन में ले जाना है एंड इसके बाद यहाँ पे जाना है ये ब्लू कलर में, इसके ह्यू को माइनस सैचुरेशन को माइनस कर देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में, फिर यहाँ से डन करके नीचे वाले टूल में जाना है एंड जो फोटो क्लियरिटी आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विगनेट है वो डालना है क्योंकि विगनेट से अलग ही लुक आएगा फोटो में, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को जाना है ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको भी बढ़ा देना है एंड जो कलर नॉइस रिडक्शन इसको बढ़ा देना है एंड जो कलर नॉइस रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है। गाइस देखिए तो यहाँ पे हमने इसमें फोटो में विगनेट वगैरह सब कुछ डाल दिया, तो काफ़ी अच्छी हमारी यहाँ पे फोटो एडिट हो चुकी है।
ठीक है। तो अब जैसे कि आपको बिफोर एंड आफ्टर दिख चुका है, तो बस यहाँ पे जो हमारी फोटो एडिट हो चुकी है। आई होप कि यार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यार आप सभी के लिए मैंने स्क्रीन में दो वीडियो लगा रखी थी, इन दोनों में से आपको कौन सी वीडियो बेस्ट लग रही है, इन दोनों में से आप एक से भी एक पर क्लिक करके अपनी वीडियो को वॉच कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे चैनल की और वीडियोस देखना चाहते हो तो ऊपर जो लोगों दिख रहा है आप सभी को उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल की किसी भी वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।